इलाका ऐसे कहा था, पर वो मुझसे अच्छी पंजाबी बोलती। हर वक्त वो मुझे अभी बोलते थे कि बोल के बताओ। तो एक तो उनकी ये महानता थी, और मतलब वे डायलॉग बोलने के बाद किसको याद रहते हैं। फिर मैं ऐसे ऐसे शक्ल देखने लगती थी, फिर यही हंसी, और ऐसे ही वो देख करके आपको भूलते थे। पिछले 13 दिन से सच कहती हूँ, ऐसा एक भी मिनट नहीं गया जब मैंने ओम जी को याद नहीं किया हो। कुछ ऐसा हो गया कि उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, क्यों वो इतनी तकलीफ दे रहे थे। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इतने अच्छे व्यक्ति का, इतने समझदार व्यक्ति का ऐसा अंत क्यों हुआ, और वो जिंदगी में घबराहट पैदा हो जाती है। बहुत प्यार करते थे। नीना चली गई, मुझे ये कहना कि गई अब बैठिए गई, कोई बात नहीं, तो और भी अच्छी तरह से कहूँ। तो ओम जी से वैसे मंडी से पहले का मेरा रिश्ता है, क्योंकि ओम जी जब एनएसटी में थे तो मैंने शॉर्ट टर्म एनएसटी में कोर्स किया था, और उस समय उत्प्रेती साहब थे, वो म्यूजिक के टीचर थे। तो पता नहीं, मुझे भी ऐसा शौक है, कभी टेबल बजा के गाया, कभी कुछ गाया, तो उत्प्रेती साहब के कानों में मेरी आवाज़ पड़ी। तो एक दिन अपनी क्लास में ले गए, और उस क्लास में ओम जी भी बैठे थे। मैंने गाया होगा, ओम जी ने सुना होगा, मैं निकल गई, पर ओम जी के दिमाग में वो गाना अटका हुआ था। फिर मंडी हुई, फिर बहुत सारी फिल्में हुई। जो भी व्यक्ति श्याम बाबू के साथ फिल्म करता है तो वो एक परिवार में बनता जाता है। ओम जी हमारे उस परिवार के सबसे अहम एक, जिसको कहते हैं कि उनका एक ओहदा था, और बहुत ही प्यार से सबके साथ होते थे, पर उन्होंने मुझे मरवा दिया। वो कभी भी कहीं भी, रात के 12 बजे, सीमा भी यहाँ बैठी हुई है, रात के 1 बजे कहीं सड़क पे हो, कहीं झालावाड़ में हो, कहीं भी बैठे हो, यार तुम्हारा देखो एक राजस्थानी यहाँ पे बैठा है, यार 1 मिनट वो गाना गा के बताना। तो मैं कौन सा जी, सो मैंने उस पर लगा दिया है, तुम गाओ। मैं ओम जी, मैं भी नहीं गाना, तुम बड़ी चुड़ैल है, बात नहीं मानती, बड़ी स्टार बन गई है, तुम कुछ भी। डांट देते थे वो, और डांट को सहना पड़ता था। तो पहली बात की इससे आगे मैं बढ़ूं, कुछ ऐसा हुआ, छोटे 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 रोल करते हुए मेरी जिंदगी में एक इंटरनेशनल फिल्म आ गई, और वो भी ओम जी के साथ। अब तक की फिल्मों में रोल छोटे होते थे, समय बहुत होता था, तो मैं उनके साथ बहुत मजाके करती थी, ये तो बिल्कुल आमने सामने। और वो उनकी तिरस्कृत वाइफ जो कि पाकिस्तान के पंजाब से थी, तो लेटली उजविन ने, जब उर्विन ने मुझे सेलेक्ट किया, तो ओम जी से कहा इला रूम को, तो उनका है इला क्या करेगी, वो तो राजस्थानी है, उसको पंजाबी आता ही नहीं। तो लेस्ली ने कहा ओम जी सेइंग लाइक दैट, वुड यू डू इट, आई सेड आई विल टेक अ चैलेंज, डोंट टेल हिम, एंड आई नीड अ कोचिंग। फिर एक उर्दू में स्क्रिप्ट आ गई, उन्होंने कहा ओम जी ने कि इला से ना उर्दू में पढ़वा लो, क्योंकि पंजाबी नहीं कर पाई। उसको देखते हुए मेरा तबका बदल गया, मैं तो किसान की थी, और आप हुजूर होने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान से कोच आया, ये उनकी मानता है कि पाकिस्तान की जो पंजाबी है वो थोड़ी अपने यहाँ की पंजाबी से अलग है। मैंने सीख लिया। उसके बाद जहाँ 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 हम गए, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे टोरंटो हो, हर जगह उन्होंने यही बात कही कि देखो मैंने इला को ऐसे कहा था, पर वो मुझसे अच्छी पंजाबी बोलती। हर वक्त वो मुझे अभी बोलते थे कि बोल के बताओ। तो एक तो उनकी ये महानता थी, और मतलब वे डायलॉग बोलने के बाद किसको याद रहते हैं। फिर तो मैं ऐसे ऐसे शक्ल देखने लगती थी, फिर यही हंसी, और ऐसे ही वो देख करके आपको घूरते थे। जब हम वेस्ट इज वेस्ट में थे तो रात को मुझे लगता था मैं 5 स्टार में ठहरा है, अच्छा खाना खाएंगे। वो क्या करते थे, चलो 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 खाना खाने, क्या खाओ, मैं तो वेटर का डब्बे का खा रहा हूँ, तुम्हें भी वो खाना पड़ेगा। हमेशा उन्होंने वेटर के डब्बे का हमें खिलाया। तो मतलब एक सादगी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं ईशान की बुआ कैसे बनी। एक दिन वहां छत पे बैठे थे, नीना और भी लोग थे, तो उन्होंने कहा इला तुम मेरे लड़के की बुआ बन जाओ, कि तुम्हें मैंने उस नजर से देखा नहीं, बाकी नीना नीना को बुआ नहीं बना सकता हूँ। मैंने कहा यार ये बोले तुम बुआ बन जाओ, उस दिन से मैं बुआ बन गई ईशान की। और फिर उसके बाद देखिए, हम
टोरंटो के वहां खड़े हुए थे, बोले तू कैसी हुआ है, कैसी बहन है आज राखी, तू राखी नहीं बांधेगी। आई जस्ट रश टोरंटो की उसमें गए एक जगह से, मैंने कुछ लिया, कुछ ऐसे बच्चों के जो क्लिप के नहीं लगाते हैं उसमें डोरा वोरा बांध के ओम जी के बांध दिया, मुझे $100 मिले। और उसके बाद अभी जब एनएसडी में अलका जी की बर्थडे मनाई गई थी, सब लोग गए थे, फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ये गाना मैं अक्सर उनको सुनाती थी जो मैं अब गाने वाली हूँ, फिर पकड़ लिया और कहा हे इलारुण, इलारुण का है, उसको बुलाओ चुड़ैल इधर आओ, इलारुण का है गाओ तनक चढ़िया की। मुझे ये समझ में आया कि वो मुझे क्यों कहते थे गाओ, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा गाती थी, इसलिए कि वो खुद बहुत अच्छा गाने लगे थे इस गाने को। और हमारे बीच में डील हुई थी, मैंने कहा वो ये चाहते थे इसको आगे मैं लगा दूं फिर मैं सबको सुनाऊं कि मैं कितना अच्छा गाती हूँ। एक तो उनके दमदार आवाज, फिर वो गाते थे, तो हमारे ये तय हुआ था कि मेरे सनी लौधरू के साथ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और ओम जी को मैं प्रेजेंट करूँगी। वो दिन तो आया नहीं, पर आज आपके लिए आपके बिना कहे मैं वो गाना गाती हूँ। वो गाना क्या था, ट्रक वालों से मैंने सीखा था, तो जो उसका झोल है ना ऊपर गई आवाज और नीचे गिरी, यही ओम जी को पसंद आता था, तो उन्होंने सुन लिया था, वो ऐसे था तड़क चढ़ारी काचली ने काख माले ग्योरा चीजो गयो पड़ो मेला में हम बे बीजनी ले ग्योरे तद भाई बीजनी ले गो अरे फिर ये गाते थे गुलगुला में खार जामुलो रे थारी पोली में पटेलन तोरण मार जाऊलो हासा मार जाऊलो ओ